नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल है उनको समझने की कोशिश करेंगे और इन ऑर्गन्स के क्या क्या काम होते हैं इनको समझने की कोशिश हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तब इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके फंक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे तो कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य रूप से कार्य अंडाणु का निर्माण करना, साथ ही कुछ हार्मोन्स का श्रवण करना भी होता है। ये हार्मोन्स द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करने के साथ साथ गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करते हैं, साथ ही गर्भपतन तथा दुग्ध श्रावण जैसी क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गर्भाशय के अंदर गर्भ का विकास तथा उसका पोषण का कार्य भी इसी सिस्टम के अंदर होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले ऑर्गन्स को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। मादा प्रजनन अंगों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्राथमिक जननांग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तथा द्वितीय जननांग या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत केवल एक ऑर्गन शामिल है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, जबकि द्वितीय जनन अंगों के अंतर्गत अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और कुछ ग्रंथियां शामिल हैं। इन ग्रंथियों में बर्थोलिन ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि तथा रेक्टल ग्रंथि शामिल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक जनन अंग क्या कहलाते हैं। वे जनन अंग जो अंडाणु के निर्माण के साथ साथ कुछ हार्मोन्स का श्रावण भी करने का कार्य करते हैं प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। और प्राथमिक जनन अंग में मुख्य रूप से क्या शामिल है? अंडाशय। फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। यह अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में गर्भाशय के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है। यह उदर गुहा से मीजोवेरियम के द्वारा जबकि गर्भाशय की दीवार से ब्रॉड लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। सामान्य तौर पर यह अंडाशय बादाम के आकार की होती है और लगभग चार से, अगर अंडाशय की बात कर रहे हैं तो यह लगभग चार से लेकर 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.5 सेंटीमीटर थिक होती है। एक बार फिर से ध्यान दें कि अगर अंडाशय की हम बात कर रहे हैं तो अंडाशय का आकार कैसा होता है? बादाम के आकार का होता है तथा यह लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.5 सेंटीमीटर थिक होती है। अंडाशय का मुख्य रूप से कार्य अंडाणु का निर्माण करना है, साथ ही यह कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है। अब आ जाइए द्वितीय जनन अंगों की तरफ। अगर हम द्वितीय जनन अंगों की बात करें तो द्वितीय जनन अंग वे अंग होते हैं जो हार्मोन्स का श्रावण नहीं करते और ना ही अंडाणु का निर्माण करते हैं, बल्कि जनन से संबंधित अन्य दूसरे कार्यों को संपन्न करने का कार्य करते हैं। इनमें मुख्य रूप से है अंडवाहिनी, गर्भाशय और अन्य अंग। तो चलिए देखें, हमने सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग में ओवरी के बारे में देखें। ओवरी जो है ओवरी अपने पीछे की ओर एक 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना में ओपन होती है और इस लंबी संरचना को ओविडक्ट कहा जाता है। ओविडक्ट का जो अगला सिरा होता है ये झालर नुमा होता है, कीप के आकार का होता है और इस झालर नुमा संरचना को फिम्ब्री कहा जाता है। फिम्ब्री पीछे की ओर एक नली का नुमा संरचना के द्वारा यूटेरस में ओपन होती है। यहां पर एक बात ध्यान में
रखने योग्य है कि फिमरी में सीलिया पाए जाते हैं जो सीलियरी मूवमेंट करते हैं, सीलियरी गति करते हैं, और इन सीलियरी गति के द्वारा ओरी के द्वारा रिलीज किए गए, ओरी के द्वारा मुक्त किए गए अंडाणु को इस कीटनुमा संरचना के द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसे ओविडक्ट के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। जब अंडाशय के द्वारा ओम को रिलीज किया जाता है तो यहां सबसे पहले कहां पहुंचता है, देहगुहा में पहुंचता है, और देहगुहा में पहुंचने के बाद यह फिब्री से होता हुआ ओविडक्ट में आता है, और ओविडक्ट में आने के बाद यह पूरी तरह से मैच्योर होता है और यहीं पर इसका फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ये बात हो गई ओविडक्ट। ओविडक्ट का मुख्य रूप से कार्य है कि अंडाणु को ग्रहण करके यूटेरस तक, गर्भाशय तक पहुंचाना। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरी संरचना गर्भाशय। हम देखते हैं कि ये जो ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, अनवाहिनी एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती है और इस पियर शेप्ड या नाशपाती के आकार की संरचना को गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है जबकि निचला वाला जो भाग है वो सकरा होता है। जो सकरा भाग होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है। ये गर्भाशय लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3.5 सेंटीमीटर थिक होती है। गर्भाशय की दीवार के दो स्तर होते हैं। जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी स्तर और भीतरी स्तर। अगर हम भीतरी स्तर की बात करें तो यह इंडोमेट्रियम कहलाती है और इसी इंडोमेट्रियम से फर्टिलाइज्ड जायगोट जो है वो आकर जुड़ता है। तो चलिए आगे देखें। ये हमारी बात हो गई, गर्भाशय की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि गर्भाशय का जो सकरा भाग जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स एक केनाल नुमा, नलिका नुमा संरचना में ओपन होता है और इस नलिका नुमा संरचना को वेजाइना कहते हैं। वेजाइना जो है पीछे की ओर, पीछे की ओर यूरेथ्रा से के पीछे, वह है एक जेनाइटल एपर्चर के द्वारा बाहर की ओर ओपन होती है। मैंने क्या कहा कि वेजाइना जो है एक सक्रिय नलिका नुमा संरचना होती है जो यूरेथ्रा के जस्ट सामने की ओर, पीछे की ओर एक फीमेल जेनाइटल एपर्चर या छिद्र के द्वारा बाहर की ओर ओपन होती है। इस ओपनिंग के चारों ओर, इन ओपनिंग के चारों ओर की अगर हम बात करें, एक पेशी संरचना होती है और इस पेशी संरचना को लेबिया माइनोरा कहा जाता है, और लेबिया माइनोरा के बाहर वाला जो स्तर होता है, बाहर वाला जो भाग होता है, इसे लेबिया मेजोरा कहा जाता है। वेजाइना तथा उसके सभी भागों को सम्मिलित रूप से भाग या वल्वा कहा जाता है। इसके वेजाइना के सभी भागों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, भाग या वल्वा कहा जाता है। वेजाइना का मुख्य रूप से कार्य है कि कॉपुलेशन के समय, कॉपुलेशन के समय सीमेन के साथ आए हुए स्पर्म को ग्रहण करना, वीर्य को ग्रहण करना और उसे सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचाने का जो कार्य है वह इसका होता है। यहां पर एक बात और थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर की ओर जो है एक पेशी संरचना पाई जाती है और इस पेशी संरचना को क्लाइटोरिस कहा जाता है, जहां क्लाइटोरिस जो है इसे पेनिस के होमोलोगस माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा कि किस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, वेजाइना से मिलकर बना होता है। इन सभी अंगों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है और इन ग्रंथियों में मुख्य रूप से है बर्थोलिन ग्रंथि। यह बर्थोलिन ग्रंथि वेजाइना की पेशी दीवार में पाई जाती है तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ है वह पदार्थ वेजाइना को चिकना बनाने का काम करता है ताकि कॉपुलेशन के समय आसानी जाए। देखते हैं पेरिनियल ग्लैंड। यह पेरिनियल ग्लैंड बर्थोलिन ग्रंथि के ठीक पीछे की ओर पाई जाती है और
इसके द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ एक विशिष्ट गंध प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरी जो ग्रंथि है वह रेक्टल ग्रंथि कहलाती है, और यह रेक्टल ग्रंथि भी जो पदार्थ स्रावित करती है वह पदार्थ एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में होता है, अर्थात उत्तेजना प्रदान करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।